13 अप्रैल दरभंगा अली नगर थाना क्षेत्र के नारपट्टी गांव में हुई घटना आज भी समाज में कमजोरों और दलितों पर हो रहे अत्याचारों की दास्तां बयां करती नजर आती है। जी हां, 13 अप्रैल को मुसर समाज के लोग, जो कि बिहार सरकार की जमीन पर दरभंगा के अली नगर थाना क्षेत्र के नारपट्टी गाँव में विगत कई वर्षों से बसे हुए हैं, गाँव के कुछ दबंगों के द्वारा मंदिर के नाम पर जमीन को खाली करने का तुगलकी फरमान दे जाते हैं और जब ये लोग अपनी विवशता बताकर जमीन खाली नहीं करते तो इन लोगों के घरों में घुसकर निर्दयता के साथ महिलाओं और बच्चों को पीट पीट कर जख्मी कर देते हैं। यहाँ तक कि बिंदा देवी नामक महिला का दोनों हाथ और एक पैर तोड़ दिया जाता है और पूरे शरीर में चोट के निशान नजर आते हैं। यहाँ तक बात खत्म नहीं होती, इनके घरों को भी जला दिया जाता है और यहाँ के लोग, जो कि स्थानीय लोग हैं, उन्होंने बताया जब ये लोग थाना पे जाते हैं तो इनका FIR दर्ज करने से भी मना कर दिया जाता है। हद तो तब हो जाती है जब DMCS से प्राथमिक उपचार होने के बाद ऐसे नाजुक हालात में बिंदा देवी को अस्पताल से ज़बरदस्ती निकाल दिया जाता है और उन्हें बेड न होने का हवाला दिया जाता है। हालांकि दरभंगा SC ST थाना में FIR दर्ज हो तो गया है, लेकिन सवाल यह है कि जब सुशासन बाबू महादलितों को जमीन उपलब्ध कराने की बात करते हैं, लेकिन वास्तविक स्थिति क्या है, यह आपके सामने है। जी, हॉस्पिटल में बोला जो तुम्हारे माँ को अभी कुछ नहीं हुआ है, ले जाओ यहाँ से। इतना गंभीर होने के बावजूद DMCH में मेरे माँ को भर्ती नहीं लिया गया। जो ट्रीटमेंट था वो कर दिया, दवा लिख दिया, बोला जो घर पर ले जाओ। मेरी माँ को मारपीट को फिर दे हाथ को तोड़ ताड़ कर फेंक दिया था, तो वहाँ पे सब मुसहर भाग गया। सदा जितने भी थे वो मेरे माँ को वहाँ देखे तो मेरा फ़ोन किया, जो ऐसे ऐसे घटना हो गया तुम्हारे माँ के साथ, वहाँ का दबंग लोग जो स्वर्ण जाति का लोग है वो मार के तुम्हारे माँ को रोड पर फेंक दिया है। हमें फ़ोन किया, इस तरह का सूचना मिला, हम गए देखी माँ के इसी तरह घटना किया। वो 25 लोग वहाँ आए थे, लाठी और डंटा से और लोहा के रोड से मेरी माँ को मारा है। ये बिंदा देवी जो पीड़ित है उसका पुत्र थाना प्रभारी के सरकारी मोबाइल नंबर पर 8 बजे भी फोन करता है और थाना प्रभारी घटनास्थल पर नहीं पहुंचता है और DMCH चलाया और DMCH भी लाइट भरा था। उसको बाद सूचना मिला है कि वहाँ के महादलित समाज को पूरा को घर जला दिया गया, मुसल समाज को लगभग 10 घर को जला दिया गया। जब यहाँ आने के बाद जब DMCH इनको देखे, यहाँ मामला है कि सर हाथ का पैर दोनों टूटा हुआ है और DMCH एक दिन में ही छोड़ दिया, जबकि व्यक्ति चलने का स्थिति में नहीं है और वो माफिया इतना बड़ा दबंग और इतना राजनीतिक पहुँच है उसका कि DMCH से इन लोगों को हटवा दिया। दबंग वो माफिया है और उनका राजनीतिक संरक्षण मिला हुआ है, राजनीतिक संरक्षण भी मिला हुआ है। सूत्रों से हमको ये भी पता है कि उस दिन कल 13 तारीख के स्थानीय विधायक मिसीलाल यादव भी क्षेत्र में थे और उनको भी इस चीज़ को सूचना दिया गया, लेकिन आज तक देखने तक नहीं हुआ। इतना ही नहीं, मुसहर समाज के आदमी है और सरकार पार्टी मुसहर समाज को जो 3 बार विधायक रह चुका है और उसको जदयू महादलित के प्रदेश अध्यक्ष रत्नेश सदा जी को पार्टी बनाया है, उनको भी पीड़ित का जो है पुत्र जो है सूचना दिया, उन्होंने भी किसी संबंधित पदाधिकारी को बोलने का काम नहीं किया। जिसके बाद जब आज हम लोग पता चला हो, मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ जिला के दलित महादलित समाज को, चाहे वो किसी भी दल से जुड़े हो, दलगत भावना से हट करके सिगरेट है, मेरे छात्र नेता है, हमारे भाई लोग जो पूरा जो भी दलित समाज महादलित समाज से जुड़ा दिन सामाजिक कार्यकर्ता राजनीति करने वाले लोग हैं, दलगत भावना को छोड़ते हुए इनको जो है मुझे न्याय दिलाने के लिए सरकार में जो दलितों पर जो साथ जो घटना घट रहा है शायद तब उनको लगने वाला नहीं है। और अभी नीतीश कुमार जो है उनको पार्टी में लगता है कि जाति का भू जो है आ रहा है, ऐसे सरकार के आने वाला समय में महादलित समाज कभी बर्दाश्त नहीं करेगा, कोई बोलने से गुरु नहीं है। पहले मैं महादलित हूँ, उसके बाद किसी पार्टी को। अभी आप कहाँ हैं और क्या उद्देश्य आए? हमारे हैं कि दलित महादलित को न्याय मिले, अनुसूचित जाति जनजाति थाना लहरिया से दरभंगा में आया, दलित के न्याय दिलाने न्याय दिलाने के लिए है। क्या केस फाइल हुई? केस फाइल के लिए थाना प्रभारी बोले है